दोस्तों 30 जुलाई 2022 है और सुबह सुबह का वक्त है तो थोड़ी सी बारिश भी हो गई है। फिलहाल अभी मौसम ठीक होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हम लोगों ने जो 5 जनवरी 2023 तक जो घर बनाने का हमने डिसाइड ये है हमारे पास 5 जनवरी 2023 तक जो घर बनाएंगे, तो हमने डिसाइड किया इस जगह पे घर बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा और मिट्टी डालना है और ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए इस लेवल का कर लेंगे, जो इस लेवल का कर लेंगे ताकि बारिश के दिनों में ये यहाँ पे दिक्कत ना हो। तो थोड़ा मिट्टी डालना पड़ेगा और यहाँ पे अभी मिट्टी निकाले हैं, अभी वहाँ से मिट्टी निकालना पड़ेगा वहाँ से। तो बाकी सब काम चल रहा है। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि थोड़ी सपोर्ट हो जाए। और दोस्तों कल कमेंट आया था हमारे एक कि जो फार्म में हम एलेक्स को रखे हैं जो डॉग है वो मुर्गियों को पकड़ता है या नहीं पकड़ता है, तो आज की वीडियो इसी पर बनाएंगे। मुर्गियों को थोड़ा सा भूखा रखेंगे और एलेक्स को खाना देंगे ताकि मुर्गियाँ उस खाने पर पड़े, ताकि देख पाएँ कि एलेक्स उनको पकड़ता है या नहीं पकड़ता। तो देखते हैं आज आगे की वीडियो देखिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर एलेक्स को हमने खाना दिया है, चावल दिए हैं और मुर्गियों को थोड़ा सा बच्चों को भूखे रखे हैं ताकि वो भी उस खाने पे टूट पड़े। तो और एलेक्स का रिएक्शन देखिए क्या होता है, वो लास्ट तक मुर्गी से मुर्गी को मारता है या नहीं मारता, पकड़ता है या नहीं पकड़ता, यही देख रहे हैं। देखा देखा अभी पकड़ लेता है यार, लेकिन वो भी जानता है पकड़ना नहीं, डरा रहा है अभी जो जितने देर तक देख रहे हैं डरा ही रहा है बस। सभी मिलकर परेशान कर रहे हैं क्या मुर्गियाँ भी तो पीछे पड़ी हैं उसके, अलग देना नहीं चाहता अपना खाना किसी को। थोड़ा दूर आ जाए पीछे से पीछे ये देखते हैं यहाँ से। तंग कर दिया सभी ने मुर्गियों से, इधर देखता तो इधर पकड़ लेता है, इधर इधर भगाता है, इधर से आ जाता है, बढ़ा रहा है वो, किसी को पकड़ नहीं रहा है वैसे। बड़ी मुर्गी को बड़ी मुर्गी को जाना था चारों तरफ से पड़े हैं, जाए किधर किधर देखेगा इधर से भगा रहे उधर से भगा रहे हैं, एक तो पकड़ लिया बस काम खत्म कर रहे हैं अभी। घेर लिए सभी ने फिर देख रहे हैं उनको। बस हो गया ऐसा लगता है, पेट भर गया, आओगे आओगे सर, फिर भी खाना छोड़ना नहीं चाहता, अरे कुछ टाइम नहीं है। देख नहीं
थक गया है जरा, खाएगा नहीं, खाने भी नहीं जाएगा, टाइट हो गया, पेट भर गया उसका, छोड़ दिया उसने कम होकर, चला गया उसका। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो बच्चा है जख्मी हो गया है और एलेक्स चिल्ला रहा था, तो जाकर देखे तो इस तरह से हो गया, और एलेक्स काफ़ी सैड सैड सा पीछे पीछे घूम रहा है इसके। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है इसको पता नहीं किसने काट लिया था, लेकिन सब मुर्गियाँ इसको मारने लग गई थी, क्योंकि कोई भी मुर्गा वगैरह बच्चा अगर मुर्गी की जख्मी हो जाती है तो दूसरे मुर्गियाँ उसको मारने लग जाते हैं। तो एलेक्स चिल्ला रहा था, तो ऐसे ही किसी मुर्गा मुर्गी को करीब नहीं आने देता था। तो जाकर देखे इस तरह से कंडीशन हो गई है, और अभी भी ये इस बच्चे के सूंघ रहा है, कभी चाँट रहा है, कभी पीछे पड़ रहा है, देख रहा है, बड़े अफसोस मना रहा है कि इस तरह से हो गया। तो काफ़ी अलग समझदार है, और फार्म के सभी मुर्गी और बच्चों को जब लड़ाई झगड़ा करते हैं तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करने देता, और जब भी कोई पंछी जैसे बाजबूज हो उनसे प्रोटेक्ट करता है, जब बाहर के कुत्ते आते हैं, बिल्लियाँ आती हैं, तो उनको आने नहीं देता। तो काफ़ी हेल्पफुल है ये, फार्म को बहुत अच्छे से तरह से देखता है, और अभी भी ये थोड़ा सा साइड लग रहा है ऐसे ही, एक साइड में बैठ जाता है, कभी इसको देखता है दूर से कि इसको क्या हो गया है, थोड़ा इमोशनल भी है ये, बाकी बहुत अच्छा है, फार्म में काफ़ी रखवाली करता है। देखिए अभी भी थोड़ा सैड सैड सा है, और इसी को देखता रहता है इस तरह से। तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, कि एक ये एलेक्स इतना समझदार है, बहुत ज़्यादा समझदार है। तो आज की ब्लॉग आपको उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसी लगी आपको ये ब्लॉग, और एलेक्स कैसा लगा आपको।